तुम बातें ही करो सिर्फ। हाँ मैं बातें तो करूंगा ही, बातें करना ये मेरा काम है, और तुम आम ही तोड़ो सिर्फ क्योंकि यही तुम्हारा काम है। आप लोग आओ कभी हवेली पे। बहुत बहुत स्वागत है। आज है 24th ऑफ मई और मेटियोरोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार आज यश द साइक्लोन आने वाली है, बट इसके बारे में अपडेट ये है कि आज नहीं आएगा, ये आएगा 26th ऑफ मई यानी वेडनेसडे को। वेडनेसडे को ये अपनी फुल स्ट्रेंथ पकड़ेगी वेस्ट बंगाल में और तबाही कितनी मजाएगी ये तो भगवान ही जाने। ऑलरेडी आज सुबह 6 बजे हम बहुत लोगों के फोन में ये मैसेज आ गया है फ्रॉम द गवर्नमेंट और मे बी द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम कि 26th ऑफ मई को साइक्लोन आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है, तो प्लीज आप अपने घर में रहे। अगर आपका घर मजबूत नहीं है तो गवर्नमेंट द्वारा रिलीफ के लिए जितने भी घर दिए गए हैं वहां पर शिफ्ट हो जाए। तो भैया फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 10:54 और ब्रेकफास्ट हमारा आ गया है। मोम आज ब्रेकफास्ट में बनाई है खिचड़ी विथ ऑमलेट, और ये देखो भाई साहब मैं थोड़ा सा नहाने क्या गया, आरजे का और मोह का दोनों का ही खत्म हो गया। मैंने बोल के गया कि मैं स्टार्ट करूंगा वीडियो, धीरे धीरे खाओ, तो आकर के खत्म हो गया। तो अभी खा रहे थे फिर भी तुम नहीं आए, वही बात है। तो यह खाना स्टार्ट करते हैं और आरजे जो है ही विल लीव टुडे, वो जाने वाला है रिपा को लाने और रिपा गई है मायके ससुराल, जाएंगे हम ससुराल। फिलहाल गर्मी हद से ज्यादा हो रही है, मतलब शरीर में चुभ रही है ऐसी गर्मी है। तो आरजे रिपा के घर जाएगी रिपा को लाने, तो हम लोग सोच रहे हैं कि उसके साथ कुछ आम दे दे रिपा के घर के लिए। तो मुंह अभी आम तोड़ने आई है। तो फिलहाल यश की आने की तैयारी पूरी तरीके से चल रही है, ये देखो काली बादल पूरी तरीके से छा रही है धीरे धीरे, और इधर जो है अभी तक धूप है थोड़ा सा, और इधर पूरी तरीके से बादल छा गए हैं। तो भैया ये वाला है दूसरा पार्सल जो कि कल आया था और इसका अनबॉक्सिंग हमने कल नहीं किया था, तो आज करेंगे इसका अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सो हियर इट इज। तो ये है एक मॉस्क्वीटो बैट, जो ब्रांड है वो है टैक टैक। सबसे अच्छी बात है ये है मेड इन इंडिया। ये रहा, माय गुडनेस, तो ये है एक मॉस्क्वीटो बैट जिसको हमने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, मम्मी ने बोला था ऑर्डर करने के लिए तो हमने कर दिया था। इसको हमने खरीदा था 349 रुपीज में। तो ये चार्जेबल भी है, ये देखो यहाँ से इसको चार्ज कर सकते हैं, ये सॉकेट में घुसा देंगे और चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पर है एक स्विच, ये है ऑन ऑफ का स्विच, ये अभी ऑफ में है तो इसको अगर दबाओगे तो नहीं होगा कुछ, इसको ऑन करना पड़ेगा पहले फिर इसको दबाना पड़ेगा। तो दबाने के साथ साथ ये जो लाइट है वो भी जलने लगा, ये देखो। फिलहाल इसको चार्ज पे लगा देते हैं क्योंकि कोई भी नई चीज यूज करने से पहले उसको चार्ज करना बहुत ही जरूरी होता है। तो फिलहाल इसको चार्ज पे लगाते हैं और बाद में इसको यूज करके देखेंगे कि कैसा काम कर रहा है। জানি না ওরকমই ছিল কিন্তু এই কালারই তো এসছে। বের করো দিয়ে দিচ্ছি। এই যে এই সুইচটাকে অন করতে হয় তারপর এটা চাপতে হয়, চাপলে এই যে লাইট জ্বলে। কি করে জ্বলছে কেন? চার্জ একটু থাকেই। আর এইটাকে এরকম বন্ধ করে দিলে তাহলে আর এটা চাপাই যাবে না। তো ভাইয়া ইসকো অভি চার্জ পে লগা দেতে হ্যায়, ইয়ে লগা দিয়া চার্জ পে, হ্যাঁ ये ऑन हो गया। तो भैया टाइम अभी हो रहा है दोपहर के 1 और साइक्लोन जो है वो ऑलरेडी आनी चालू हो गई है। साइक्लोन तो आज नहीं आने वाला है बट वेदर जो है वो काफी ओवरकास्ट है और बारिश भी चालू होने वाली है। अभी तक तो बारिश चालू नहीं हुई है। तो इधर आप देख सकते हो काफी ज्यादा काले बादल जो है वो इधर आ रहे हैं और हवा चलनी थोड़ी बहुत चालू हो गई है। वेदर पहले से थोड़ी सी बेहतर हो गई है, गर्मी उतनी है नहीं, बहुत ज्यादा बहुत भयंकर गर्मी हो रही थी अब तक, तो फिलहाल हवा चलनी चालू हो गई है तो इसीलिए अभी तो थोड़ी भाई राहत मिली है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि साइक्लोन आने वाला है तो ये जो सारे आम है वो तो भाई सब गिरने वाले हैं, तो इसीलिए मऊ और मैं कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी आम हो सके तोड़ ले अभी, क्योंकि वो सारे गिर के खराब हो जाएंगे। मऊ का तो चालू हो गया है कार्यक्रम इधर। तुम बातें ही करो सिर्फ। हाँ मैं बातें तो करूंगा ही, बातें करना ये मेरा काम है, और तुम आम ही तोड़ो सिर्फ क्योंकि यही तुम्हारा काम है। आप लोग आओ कभी हवेली पे आम खाने के लिए। उधर देख तो, उधर उधर धुंधला धुंधला क्या हो रहा है, बारिश हो रही है क्या? वो देखो उधर उधर सब धुंधला हो रहा है, तूफान नहीं है, तूफान तो आज आएगा भी नहीं भाई। वेदर काफी ठंडा हो गया है, पसीने तो अभी नहीं आ रहे, बहुत ही बढ़िया हवा चल रही है, बट ये हवा अभी तक के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, बट ये जब रफ्तार पकड़ेगी ना तो डिजास्टर लाएगी।
तो वो नहीं चाहते हैं। तो आपको यही सलाह है कि आप प्लीज घर के अंदर रहो। प्रेजेंट पैंडेमिक के लिए तो है ही, बट फिलहाल जो साइक्लोन आने वाला है इसके लिए आपको घर में रहना बहुत ही जरूरी है। तो मऊ तो आम फटाफट से तोड़ रही है, तो मैं भी अभी थोड़ा सा हाथ लगाता हूँ। तो ये पिछले आधे घंटे से हम आम तोड़ रहे थे और देखो कितना आम तोड़े हम लोग। ये देखो, तो मऊ इसे बैग में डाल रही है। ये सब इसमें से पका नहीं है पर ज्यादातर ही पक गए हैं। मतलब यही वाले आम जो है वो ज्यादातर अच्छे होते हैं खाने में, क्योंकि ज्यादा पका नहीं होता है और कच्चा भी नहीं होता है, बिल्कुल स्वीट पॉइंट में रहता है। तो चेक दिस आउट। फिलहाल तो मौसम काफी अच्छा हो रहा था, बट फिर से धूप निकल आई है। लुक एट दिस, जितने भी सारे काले बादल थे वो तो चले गए हैं, मतलब मूव करते रह रहा है पूरा, अभी छाने वाला है। तो फिलहाल बहुत ही कड़ा धूप फिर से आ गई है। तो चलो भाई लोग, 2000 years later। तो भैया फिलहाल अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, मेरा नहाना हो गया है कंप्लीट और मूव अभी नहाने गई है और अभी बारिश ऑलरेडी चालू हो गई है। अब साइक्लोन कब आएगा ये हमें कुछ भी पता नहीं है, बोल तो रहे हैं कि 26 तारीख को आने वाली है, बट उसका इफेक्ट जो है वो अभी से चालू हो गई है। भैया बिल्कुल भी पता नहीं है कि इस बार का सिचुएशन क्या रहेंगे, क्योंकि पिछली बार जब अम्फन आया था तब बहुत ही बुरी असर हुई थी वेस्ट बंगाल का। बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पर इलेक्ट्रिसिटी 8 से 10 दिन के लिए बंद हो गई थी। हमारे घर पे 4-5 दिन में तो आ गई थी। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, पिछली बार तो फोन का नेटवर्क भी गायब था बहुत दिन के लिए। पानी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लोगों का घर गिर जाते हैं, बट इस बार होप फॉर द बेस्ट कि कुछ ना हो इतना ज्यादा। तो पता नहीं मैं कैसे वीडियो अपलोड करूंगा अगर ऐसी सिचुएशन होती है। तो अगर आपको अगले 3-4 दिन तक वीडियो देखने को ना मिले तो आप समझ जाना कि मैं क्यों नहीं अपलोड कर पा रहा हूं। मैं फिर भी जैसे तैसे करके ट्राई करूंगा कि वीडियो को अपलोड कर पाऊं, और अगर वीडियो आ गई तो आप तो देख ही पाओगे कि क्या हुआ है। तो भैया फिलहाल अभी लंच की तैयारी चल रही है, लंच करने हम लोग बैठेंगे और इधर देखो बारिश की हालत। तो आज लंच पे हमारा फेवरेट फूल गोभी फ्राई बना है और ज्यादा कुछ नहीं बना है। ये है फिश और यहाँ पर है दाल, बस सिर्फ यही। तो भैया फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 4:45 और लंच तो हमारा बहुत पहले कंप्लीट हो चुका है और हम लोग आए थे थोड़ी सी छत पे, बारिश थोड़ी सी रुकी है तो इसलिए आप एक बार काले बादल देख लो। ये जो जगह है वो क्लियर होता जा रहा है, तो बादल पूरी यहाँ से इधर जा रही है तो इसीलिए ये जगह थोड़ा सा क्लियर लग रहा है। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि क्या से क्या होने वाला है। पिछले साल का जो एक्सपीरियंस रहा था वो बहुत ही बुरा रहा था, तो इसीलिए हम सभी डर रहे हैं कि फिर से वैसा ना हो। तो भैया फिलहाल अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:51 और मैं कर रहा था एडिटिंग मेरे व्लॉग का। तो मऊ मेरे लिए लाई है इवनिंग स्नैक्स जो कि है बॉयल्ड चने, और इसको मऊ बना करके लाई है और यहाँ पर मऊ बैठ करके चाय पी रही है। तो फिलहाल अभी चने खाते हैं और एडिटिंग पे लग जाते हैं। तो भैया आरजे तो चला गया है रीपा को लाने रीपा के घर, बट जाते जाते कर गया है एक बहुत बड़ा ब्लंडर। सुबह जब वो हमारे घर से अपने घर वापस गया था तो उससे बात यही हुई थी कि शाम को जब वो रीपा के घर जाएगा तो हमारे घर होते हुए जाएगा और हम लोग सुबह जो रीपा के घर के लिए आम तोड़े थे वो उसको दे देंगे, तो वो आम वो रीपा के घर जाकर के दे देगा। वो रीपा के घर चला तो गया है बट हमारे घर पे आया ही नहीं था, तो वो आम ना लेते हुए वहां पर पहुंच गया है। और जब हमने फोन करके बताया कि तू कहां पर है, कब आएगा आम लेने, तो उसका बोलना ये था कि मैं ऑलरेडी रिपा के घर आ चुका हूँ और आम लाने जाना मैं भूल ही गया था। तो रिपा इस वीडियो में बहुत सारे आम तुम देख चुकी हो, तो उसमें से आम तुम्हारे घर के लिए हम लोग भेज रहे थे बट वो शायद तुम्हारे नसीब में है नहीं और ये पूरा हुआ है आरजे के वजह से, तो उसको पकड़ो। तो भैया ये रहा वो मॉस्किटो बैट जिसका अनबॉक्सिंग हमने सुबह करा था और इसको अभी मैं माँ के पास से लेकर के आ गया हूँ टेस्टिंग के लिए। अब इसको टेस्ट करके देखेंगे। जब मैं एडिटिंग कर रहा था तब तो मैं सुन ही रहा था इसका आवाज, माँ ऑलरेडी इसको ट्राई कर चुकी है। हम इसको एक बार टेस्टिंग करके देखेंगे खुद से और फिर आपको दिखाएंगे इसका रिस्पॉन्स कैसा है। सो मऊ प्लीज डू द ऑनर, चेक करो चेक करो। तो मच्छर ढूंढने के लिए अभी जाना पड़ेगा कहाँ 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 घूमेंगे हम। नीचे ही है। इधर उधर कोने में देखो, तो उस कोने में नहीं नहीं है, आवाज तो हो रही थी इसका। यार मैं जहाँ पर एडिटिंग करने बैठता हूँ वहां पे बहुत सारे मच्छर आते हैं, वहां पे चेक करो एक बार। होते हैं ना कई बार जाते हुए स्कैनिंग करते हैं बॉडी का। हाँ वैसा ही, ऐसा ही बैठ है। तो भैया मच्छर ढूंढ ढूंढ के हो गया परेशान, कहीं पे मच्छर नहीं है, बट जब मैं एडिटिंग करने बैठता हूँ ना तब ये हुआ। क्या हुआ दिखा एक बार फिर से। ट्राई कर ट्राई कर, वो देख ऊपर लाइट के पास है। तो भैया फिलहाल मच्छर तो कहीं पे नहीं मिल रही है, तो इसीलिए मैं मच्छर ढूंढते ढूंढते आ गया हूँ नीचे। तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे मच्छर मिलता है कि नहीं।
येलो। तो अभी टाइम हो रहा है 9:53 और अभी हम लोग करने जाएंगे डिनर। बारिश शाम के बाद से काफी कम हो गई है पर अभी भी चल रही है, हल्की हल्की से चल रही है, शायद ज्यादा बारिश कल से स्टार्ट होगी। और मेरी एडिटिंग जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है, डिनर करने के बाद मैं उसको कंप्लीट करूंगा और अपलोड करके सो जाऊंगा। तो इस सिंपल ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक करो, हो सके तो शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। यार मच्छर तो कहीं पे नहीं मिल रहे, हमें जरूरत है, हमें मिलेगी भी नहीं। तुझे मार के देखो, तू ही तो एक मच्छर है, मच्छर की तरह बै 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 करती रहती है।